वैसे तो आपका नाम भय मार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी? भगवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। कालरूप में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था, बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ कालरूप में मेरी मन में जुआ है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ वीर लोग पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये पता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते, इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कि बस इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? यह है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाव, ये होने बाद अब आप वीर लोग को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, अब बीके हो। बीके? हाँ, हेलो विवान। और अगर तुम सच में वीर लोग से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीर लोग पे हमला करूंगा। ना भाई, सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले। गधे ऑफ कालरूप। मैं आता हूँ जीके। अब पारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ओ, ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ, भैमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीर लोग पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन भैमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीर लोग पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी भी बुलाया है। हाँ, भैमार की तो अक्कल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाने, अब देखो ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश रोहन, शाबाश। कहाँ रह गए छोटा बालवीर, आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई? वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रोक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काल लोग से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है आप तुम भूल गई कालपरी, कि तुम्हें बालपरी से कालपरी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा। भैमार,
पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये काल्पनिक, अब देखिए ना जैसे पॉपकॉर्न की तरह गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। वाह कल्पनी, क्या अटैक मारा है? कल्पनी, आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है? तुम सब दादाजी से बचाने के लिए धन्यवाद मस्ती परी। मेरा मतलब थैंक यू मस्ती परी। हाँ। अच्छा तो विवान सबसे पहले किसकी पढ़ाई की जाए, साइंस की या फिर मैथ्स की? वो क्या ना माँ और दादाजी ने मेरा इतने जोर से कान खींचा है ना कि मेरा दिमाग सुस्त हो गया है, तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। अच्छा तो दिमाग सुस्त हो गया है तो पीटी से शुरू करते हैं। पीटी? पीटी? पिटाई को प्यार से पीटी तो नहीं बोल रही है कहीं? नहीं नहीं अबे क्या है ना कि मैं तो बहुत थक गया, पीटी बाद में करेंगे, दर्द हो रहा है। अच्छा विवान तो फिर ठीक है, हम लोग ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही पीटी, हम लोग ना जादू का अभ्यास करते हैं। एक काम करते हैं, हम तुम पर हमला करेंगे और तुम अपने शक्तियों से बचना, ठीक है? तुमने रोका क्यों नहीं? आपने रोका ही कहाँ गया? अच्छा तो अब रोकना, ठीक है? एक दो तीन। सत्यानाश हो काल्परी का। अब क्या हुआ विवान, तुम्हें मौका भी तो दिया था, फिर तुम क्यों नहीं रोक पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे मंत्र भूल गए हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सारे मंत्र याद है और मुझे जुबान ही याद है। तो फिर अरे अरे तुम कहां भाग रहे हो बहरूपी? कौन हो तुम बहरूपी? बहरूपी मैं? ये तो सुना था मैंने कि बंदरों को लड़वा कर बिल्ली मजे लेती है, लेकिन एक बाघ और शेरनी को लड़वा कर कोई चूजा मजे ले रहा है ये पहली बार देख रही हूँ। काल्पनिक, आप तो फूट डालो और शासन करो की नीति पर भरोसा करती थी ना, एक चूजा आकर आपको भड़का कर चला गया और आप भड़क गई। छोड़ूंगी नहीं उस विवान को। अब कोई कुछ नहीं करेगा, अब जो करूंगी मैं करूंगी। ये सप्तनाशक खंजर अब सिद्ध हो चुका है, ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि ना तो इसका सामना बालवीर कर पाएगा और ना ही वो बुद्धा शेर शौर्य। सप्तनाशक खंजर, अगर वो बैरूपिया था
हमारा विवान है कहाँ? मुझे लगता है हमें तुरंत जाकर शौर्य को ये खबर दे देनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। विवान तुम है कहाँ? मैं कलयुग में। हम कैसे मान ले कि तुम ही विवान हो और कोई भैरूपिया नहीं? हेलो, पहली बात तो मैं इस दुनिया में सिंगल पीस हूँ और प्रूव के तौर पे ये देखो वीर चिन्ह, देखो, अरे देखो, अब हुआ यकीन? कोई भैरूपिया अगर विवान का रूप बदल कर आ सकता है तो ये वीर चिन्ह भी लेकर आ सकता है विवान। हाँ, अगर तुम विवान हो तो तुम विवान की तरह बात करो, ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ करो जो वो करता है, तभी हम मानेंगे। अच्छा तो ठीक है, कसम सलमान भाई की, मैं उस तमन्ना से इतना छेद कर दूंगा कि तमन्ना से कंफ्यूज हो जाएगी कि ऑक्सीजन कहाँ से ले और कहाँ से। मान गए कि तुम विवान हो, लेकिन तुम्हें कालो कौन ले गया था? कोई नहीं, मैं खुद गया था उन लोगों को सबक सिखाने। मैं सबक सिखाने ही वाला था कि रोंगटे भी उतना सा गए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसे में हम सबकी भलाई है। तो परियो, अब आपको लगता है विवान को सारी शक्तियाँ एक साथ दे देनी चाहिए? जरूर बालवीर, विवान ने इतना बड़ा काम अकेले करने का साहस जो दिखाया है। लेकिन बार्टर, मुझे अपनी सारी शक्तियाँ एक साथ देनी चाहिए। क्यों? तुम्हारी तो हमेशा से यही शिकायत थी ना कि हमने तुम्हें बालवीर की सारी शक्तियाँ एक साथ नहीं दी। क्योंकि अब मुझे अकेले आ गई है, छोटू जो जाते हैं वो बड़ों को ही पता होता है कि वो उन्हें देना चाहिए या नहीं। छोटों का काम होता है जिद करना और वैसे ही बड़ों का काम है अकल देना, और आप लोगों ने अकल तो मुझे दे ही दी है। तो विवान, अगर अब हम तुम्हें एक एक करके शक्ति देंगे तो चलेगा ना? यस पार्टनर, ऑफ कोर्स, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बालवी, तुम जिस काम के लिए हिमसार ग्रह गए थे वो काम पूरा हुआ? हाँ मस्ती परी। चतुर्कुट पर्वत की चोटी से मैनोस की बूंदों को लेकर आया, अब मुझे अपनी माँ को वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। यस पाटिल, वेरी गुड, लेकिन तमन्ना सा भी एक स्पेशल पावर वाला सप्तनाशक खंजर लेकर आ गई है, इसलिए हमें जो भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा। पार्टनर, सप्तनाशक खंजर, अब कौन सी नई चाल चलने वाली है तमन्ना? अरे कहाँ अटक गया ये विमान, आज तो पक्का क्लास के लेट हो जाएंगे। चीटी को बुलाना हो तो शक्कर छिड़कना चाहिए, और अगर विवान को फंसाना हो तो इस पोपू पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अरे इतनी छोटी
छोटी सी उम्र में फकीर बन गए हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? स्कूल क्यों नहीं जाते? ए, नादान बच्चे, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें तोहफा देने आया हूँ। तोहफा? ओ, मतलब कि गिफ्ट। ये देखो, मैं इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। हाँ नहीं नहीं, ये तोहफा तुम्हें खुद पैसे दिलाएगा। क्या? हाँ, ये क्रिकेट का बैट मुझे पैसे दिलाएगा? पैसे? ये जो बल्ला है ना, इसके अंदर एक चुंबक है जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि इस बल्ले से हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। देखना चाहते हो? रुको, क्या क्या है ये? सोने के सिक्के। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। ना तुम मन के सच्चे या फिर किसी और सच्चे बच्चे को ढूंढू मैं? चलो मैं नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं हूँ ना सच्चा बच्चा। शाबाश। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो बात छुपाने के लिए नहीं है, दूसरों को बांटने के लिए। जितना तुम इसे दोस्तों में बांटोगे इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, समझे? ये लो, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। एक बार ये चुंबक यंत्र विवान के हाथों में पहुंच जाए फिर महाराजा का मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। अरे चल 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 गुप्पू, ये हवाई क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? अरे ये क्रिकेट का बैट नहीं है विमान, ये तो वो बैट है जिससे हम गुड्डा के सिक्स मारेंगे। ये देख, ये कॉइन कहाँ से मिले तुझे? इस बैट से। इस बैट के अंदर एक चुंबक है। हाँ, जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या बात कर रहा है? हाँ दिखाओ, देखो। लगता है यहाँ आसपास में सिर्फ कंजूस लोग हैं, मेरे पापा की तरह। चल चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, इस बैट के बारे में मुझे बाद में दिखा, चल। वन, यार गोपू तो कितनी बार गिनी गई इन कॉइन्स को। गोल्डन कॉइन विवान, गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के। सोच इन कॉइन्स से हम कितने महीनों तक चॉकलेट खा सकते हैं। गोपू, हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती। और तू तो बोल रहा था ना कि इस बैट से हर छुपा खजाना मैग्नेट की तरह आकर चिपक जाता है, लेकिन अभी तक तो हमें पोटली के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा विवान, चलो ढूंढते हैं। हाँ ढूंढ। भैया, अब इन छुओं को सुपर ग्लू से दीवार में चिपका देंगे। मिला कुछ? अरे मिलेगा मिलेगा। अब चल। अरे नहीं। ये चिंटू, ये तूने गोपू की बैंड के पीछे क्या चिपकाया है? अभी पता चल जाएगा विमान। गोपू, अरे चिंटू, ये क्या हुआ? गोपू आना, देखो गोपू की पैंट फट गई। ए चुप,
देखो देखो, इस गोपू की सस्ती पैंट ने महंगी वाली बेइज्जती करा दी। चुप। चल चिंटी। पिछले मंडे शर्ट का बटन टूट गया था, पापा ने एक दिन तक बात नहीं की थी मुझसे, आज तो पैंट ही फट गई। पता नहीं कहीं पापा गुस्से में मुझे हॉस्टल ना भेजते। फिकर नट गोपू, हॉस्टल का खर्चा वैसे भी ज्यादा होता है। एक काम कर, मेरी स्वेटर पहन के ये छुपा ले। हाँ छुपा ले। चल ठीक है। अरे मेरे गोल्ड कॉइन कहाँ गए? कहीं चिंटू तूने ले गया मेरे गोल्ड कॉइन? अरे गोपू, गोपू रुक। ये पता करने का एक ही तरीका है, बैठ दिखा। अब आया है बल्ला धोनी के हाथ, अब लगेगा हेलीकॉप्टर शॉट।